हेलो दोस्तों, टारगेट अचीवर पॉइंट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आप अपनी सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपको कोई कॉल या नोटिस ना आए। जनरली सेविंग डिपॉजिट पे प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3-4%। तो चलिए चलते हैं, इसकी लिमिट की बात करते हैं। आप अपनी सेविंग अकाउंट में जब भी हम 10 लाख अप टू 10 लाख तक डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो बैंक के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके आपके पास एक नोटिस आती है कि आपका जो डिपॉजिट है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, इसकी इसकी क्वेरी देनी पड़ती है आपको। तो अगर वो सोर्स लिजिटिमेट है, सही है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से आप विड्रॉ भी करते हैं अबव 10 लाख, तो उसका भी आपको रीज़न बताना पड़ता है कि आपने ये पैसे क्यों किस लिए उठाए, इसका एक डिटेल देना पड़ता है। तो ये लिमिट सिर्फ अप टू 10 लाख तक ही रहती है, लेकिन अगर इस 10 लाख को हम ब्रेक करके 2.5 लाख करके 4 टाइम डिपॉजिट करते हैं या 4 टाइम विड्रॉ करते हैं या 1 लाख करके 10 टाइम्स डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तो भी ये अग्रीगेट होके अगर ये पूरे फिनांशियल ईयर में एक बार अगर ऐसा होता है एक मंथ में एक 1 ईयर में, तो इसका इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस देता है और उसको उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है, अगर वो आपका इनकम का सोर्स लेजिटिमेट है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपकी सेविंग में आपकी इनकम से आपकी जो इनकम है उससे पैसे ज़्यादा रह सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया या किसी की मदद करने के लिए आपके रिलेटिव ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और उस पैसे को उठाकर अगर आपको किसी को देना है, इस तरह अगर आप एक्सप्लेन कर पाए और इसके लिए आपने आपके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने पैसे डिपॉजिट किए या किसी ने आप किस जिससे आपने लोन लिए वो अग्री हो कि उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है तो वो दे पाए। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो सारा का सारा अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट जो हुआ है वो आपका इनकम मान लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर 60% का टैक्स वसूल करता है। तो इस तरह के परेशानियों से बचने के लिए आपका जो इनकम है उससे एटलीस्ट जो सैलरी पर्सन है उनको तो ये ध्यान में रखना चाहिए, आपका जो इनकम है वो टोटल 10 लाख से एक्सीड ना हो। और ये बहुत पहले होता था जब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार और पैन मैंडेटरी नहीं था, लेकिन आजकल तो आपके बैंक अकाउंट से आधार और पैन को लिंक कर दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक पता चल जाती है। ऑटोमेटिक पता चल जाए अगर आपका सेम पैन कार्ड से 1, 2, 3, 4, 5 बैंक जितने सारे बैंकों में आपने अकाउंट खोला है और ये पूरा आपके इनकम से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आईटी डिपार्टमेंट को चली जाती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।